चलिए बच्चों, अपना नेक्स्ट लेक्चर आज हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे सेंट्रोइड ऑफ वन डायमेंशनल बॉडी, यानी वायर के बारे में बात कर रहे थे। यानी कि जैसे एक मेरे पास भी ये वायर है, इसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग। ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है? ये लेंथ वाली बॉडी होती है। तो लास्ट टर्म पे हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। अब नेक्स्ट वीडियो में एक नई बॉडी के बारे में सीखते हैं हम लोग। अभी तक हमने केवल एक स्ट्रेट लाइन की बात करी थी। अब देखिए ज़रा, हम लोग ने इस स्ट्रेट लाइन की बात कर चुके हैं जिसका सेंट्रोइड कहाँ पर होता है बच्चों? मिड पॉइंट पर होता है। अगर टोटल लेंथ इसकी एल है तो ये लेंथ होती है एल बाई टू और ये लेंथ भी होती है एल बाई टू। स्ट्रेट लाइन की बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं अगर इसी स्ट्रेट लाइन को बेंड कर दिया जाए, इसी स्ट्रेट लाइन को अगर बेंड कर दिया जाए, मान लेते हैं ऐसे बेंड कर दिया, ऐसे बेंड कर दिया, तो अब इसका सेंट्रोइड बच्चों यहां नहीं होगा। जैसे ही आप बॉडी का शेप बदलोगे ना, तो उसके सेंट्रोइड की लोकेशन भी चेंज हो जाएगी। तो इसका सेंट्रोइड कहाँ होता है वो देखते हैं, ध्यान रखना पड़ेगा आपको भाई। जैसे ये एक आर्क है, आर्क मतलब चाप है ना, तो इसका जो सेंट्रोइड होगा वो वही बीच से डिवाइड करने वाली लाइन पर होगा। यानी ये मुझे मालूम है कि सेंट्रोइड यहाँ कहीं होगा इसका, जहां पर पहले सेंट्रोइड था मान लेता वो ये पॉइंट है, तो उससे थोड़ा ही नीचे होगा, यहां कहीं होगा ऐसे, ठीक। अब भाई अगर ये एक आर्क है तो अगर मैं इसको पूरा करूं तो एक सर्किल बनेगा कि नहीं बनेगा? एक सर्किल बनेगा ना, तो ये आर्क को मैंने थोड़ा डार्क कर दिया है और इसका जो सेंट्रोइड होगा वो यहां कहीं होगा। इस सर्किल को जो मैंने बनाया भाई, आर्क जो होगा किसी सर्किल का पार्ट होगा, तो मैंने सर्किल पूरा कर दिया है। इस सर्किल का कहीं सेंटर भी होगा, और अगर सेंटर होगा तो इसकी रेडियस भी होगी, तो ये रेडियस आर हो गई, ये रेडियस भी आर हो गई। तो ये जो डिस्टेंस है सेंटर से सेंट्रोइड तक की, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होती है आर साइन एल्फा अपॉन एल्फा, जहां पर एल्फा क्या है, ये जो टोटल एंगल बन रहा है ना, ये वाला टोटल एंगल, ये 2 अल्फा है। और अगर वो लाइन मिड में से डिवाइड कर रही है तो ये एंगल कितना रह गया अल्फा, और ये एंगल भी कितना रह गया अल्फा। तो जो डायग्राम हमारा बना, यहाँ तो मैंने काफ़ी समझा के बनाया है, हमें जो ध्यान रखना है वो क्या है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ये हमारी आर्क है, ये आर्क है हमारी, तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा, मान लेते हैं यहाँ सेंटर है, तो जहां से आर्क शुरू हो रही है और जहां खत्म हो रही है उसको सेंटर में मिलाइए, ये रेडियस हो गई। सेंट्रोइड कहां होगा? बीच से डिवाइड करने वाली लाइन पर। जितनी भी सर्कुलर एलिमेंट्स होंगे उन सब का जो सेंट्रोइड होगा वो कहां होगा? बीच से डिवाइड करने वाली लाइन पर। तो बीच से डिवाइड करने वाली लाइन पर यहां कहीं होगा, और इसकी सेंटर से ये डिस्टेंस, हम लोग सेंटर से डिस्टेंस आपको बता रहा हूं, तो ये सेंटर से जो डिस्टेंस होती है कितनी होती है? आर साइन अल्फा बाई अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, अगर टोटल 2 अल्फा है तो। अब ये आर्क कैसी भी बनी हो, अगर ये आर्क ऐसे तिरछी बनी हुई है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये ऐसे तिरछी भी बनी है कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। सेंटर सेंट्रोइड कहाँ होगा? बीच से डिवाइड करने वाली लाइन पे, तो यहां कहीं सेंटर होगा और ये सेंट्रोइड, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये वाली, ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? ये होगी आर साइन अल्फा बाई अल्फा। कैसे? जहां से आर्क शुरू हो रही है और जहां आर्क खत्म हो रही है उसको सेंटर में मिला लीजिए, तो ये अल्फा और ये अल्फा, और ये रेडियस और ये रेडियस। तो किसी भी टाइप की ऐसी गोल बॉडी बनी होगी वायर वन डायमेंशनल, तो उसके सेंट्रोइड जो होता है वो बीच से डिवाइड करने वाली लाइन पर होता है, और अगर किसी सर्किल को हम लोग बना लें तो उस सेंटर से जो दूरी होती है आर साइन अल्फा बाई अल्फा होती है। अब तुम लोग ये कहोगे कि सर ये आर साइन अल्फा बाई अल्फा आया कहाँ से? तो बच्चों तुमको इसमें एल बाई टू, एल बाई टू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तुमने नहीं पूछा कि सर ये एल बाई टू आया कहाँ से, क्योंकि ये बात हमें बहुत पहले से पता है कि स्ट्रेट लाइन का जो सेंटर होता है वो मिड पॉइंट होता है। इसके बारे में नहीं पता था तो तुमको अजीब लग रहा है, अगर ये भी शुरू से पढ़ा होता तो ये भी पता होता तुमको, लेकिन ठीक है। एक वीडियो लेक्चर हम बनाएंगे जिसमें काफ़ी सारे डेरिवेशन हम करा देंगे आपको, हालांकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन ही मोस्टली पूछे जाते हैं,
लेकिन आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम ज़रूर आपको बता देंगे एक वीडियो लेक्चर में वो, लेकिन फिर भी आपको फॉर्मूले तो ध्यान ही रखने हैं। तो ये फॉर्मूला तो आपको याद ही होना चाहिए कि ये डिस्टेंस कितनी होती है, आर साइन अल्फा बाई अल्फा, जहाँ पे ये एंगल क्या है, पूरा एंगल 2 अल्फा, उसका आधा अल्फा और अल्फा मैंने बनाया है। इसको बना लीजिए जल्दी से आप लोग। तो बच्चों इसके बारे में तो हमें पता चल गया कि सेंट्रॉइड कहाँ होता है इसका, लेकिन इसकी लेंथ भी पता करना ज़रूरी है। तो इसकी जो लेंथ होती है उस लेंथ का फॉर्मूला होता है 2R अल्फा। एक बात का ध्यान रखिएगा, जहाँ भी अल्फा अकेला है, जैसे यहाँ पे अल्फा अकेला है, उसके आगे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन कॉस टेन नहीं है, इसी तरह यहाँ पे भी अल्फा अकेला है, उसके आगे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन कॉस टेन नहीं है, जब भी नहीं होगा तो अल्फा को हमेशा जो है वो रेडियन में लिया जाता है, ठीक है। जैसे अगर आपको आपके क्वेश्चन में यहाँ पर 30 डिग्री लिखा है मान लेते हैं, तो अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री हो गई, तो जब आप यहाँ रखोगे साइन के साथ, जैसे इसमें रखना है आर साइन, तो यहाँ तो डिग्री के साथ ही रखा जाता है, साइन कॉस टेन में अगर कुछ है तो वो डिग्री के साथ रखा जाता है, लेकिन नीचे जब रखा जाएगा तो ये रेडियन में रखा जाएगा। और रेडियन में कैसे रखते हैं, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, समझ गए। और मैं एक काम और करता हूँ कि मैंने पाई बाई 180 की वैल्यू निकाल रखी है 0.01744, तो मैं क्या करता हूँ, जो भी एंगल होगा डिग्री में उसको 0.01744 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो अब जो आएगा वो काहे में आएगा बच्चों, रेडियन में आएगा। तो चाहे पाई बाई 180 से करो, पाई बाई 180 की वैल्यू है ना ये, चाहे इससे कर लो तो वो रेडियन में चेंज हो जाता है। चलिए अब इसी में थोड़ा और समझते हैं। ये तो थी आर्क, आर्क मतलब चाप। अभी आप सोचो अगर मैं, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं इतनी आर्क की बात करूं, अब मैं यहां से लेकर के इस जगह से लेकर के और ये आर्क की बात करूं यहां तक की, इतनी आर्क की बात करूं, तो भाई अभी भी है तो गोल, कुछ सर्कुलर एलिमेंट है, और मैंने आपको बताया कि सर्कुलर एलिमेंट का सेंट्रॉइड कहाँ होता है, बीच से डिवाइड करने वाली लाइन पर, तो अभी भी सेंट्रॉइड इसी बीच से डिवाइड करने वाली लाइन पर होगा, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे सेंट्रॉइड जो है थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। अच्छी बात है, चलो हो रहा है या नहीं हो रहा है तुम्हें नहीं पता, कोई बात नहीं, तुम बना तो सकते हो ना कि कहीं बीच से डिवाइड करने वाली लाइन पर यहाँ कहीं बना लिया। अब देखो अगर मैंने इसको ऐसे सेमी सर्कुलर आर्क बना दिया है, यानी कि अर्धवृत्ताकार आर्क बना दिया है, तो ये अल्फा की वैल्यू अब बढ़ के कितनी हो गई, 90 डिग्री। अल्फा कितना हो गया, पाई बाई 2, तो अब इस केस में अल्फा हो गया हमारा कितना, पाई बाई 2। अरे आया समझ में, नहीं आया बोलिए, देखो जहां से आर्क शुरू होती है उसको सेंटर पे मिलाया, जहां खत्म होती है उसको सेंटर पे मिलाया, तब जो टोटल एंगल बनता है वो 2 अल्फा होता है, ये जो टोटल एंगल होता है ये 2 अल्फा होता है, ठीक है। अब यहां पे 2 अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 180 हो गई, तो अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री नहीं हो गई, ये जो अल्फा हुआ ये अब कितना कितना हो गया, पाई बाई 2। तो वो जो फॉर्मूला था हमारा इसका आर साइन अल्फा बाई अल्फा, इसमें अगर मैं अल्फा की वैल्यू रख दूं तो देखो क्या मिलेगा मुझे, आर साइन पाई बाई 2 अपॉन पाई बाई 2, तो ये साइन 90 हो गया, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, और ये पाई बाई 2 है तो 2 ऊपर चला गया, यानी आ गया 2R/π। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर सेमी सर्कुलर आर्क है तो उसका सेंट्रॉइड बच्चों सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर होता है, 2R/π डिस्टेंस पर होता है। और अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो पूरे सर्किल की लंबाई यानी कि सर्कमफेरेंस होती है 2πr, तो आधे की कितनी हो जाएगी, पाई आर, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ हो गई, अगर मैं लेंथ की बात करूं तो लेंथ हो जाएगी इसकी पाई आर, सेमी सर्कुलर की लेंथ कितनी हो जाएगी, पाई आर। तो एक बढ़िया सा डायग्राम बना दे रहा हूं तुम लोगों के लिए, उसमें देख लो ध्यान से।
देखो अगर हम बात करें सेमी सर्कुलर आर्क की, तो सेमी सर्कुलर आर्क जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। इसका सेंट्रॉइड कहाँ होगा, 20 से डिवाइड करने वाली लाइन पे यहाँ कहीं, और ये सेंटर से जो इसकी डिस्टेंस होगी, ये बच्चों कितनी निकाली है हम लोगों ने, ये डिस्टेंस होगी 2r/π। ये आपको याद होना चाहिए। अब इसमें r sin अल्फा बाई अल्फा मत लगाने लगना, है ना, ये 2r/π डायरेक्ट हो जाएगा। और ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, ये तो रेडियस है, ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, रेडियस है, और इसकी जो लंबाई होगी बच्चों अब वो कितनी हो जाएगी, पाई आर। तो तुम्हें ये डायग्राम याद रखना है। और ये क्या है बच्चों, ये है सेमी सर्कुलर आर्क। एक और देखो जल्दी से, अगर तुम्हारे पास क्वार्टर सर्कुलर आर्क हो, क्वार्टर सर्कुलर आर्क का मतलब क्या हो गया, आधे का भी आधा यानी एक चौथाई। आप ऐसे देखो, जो पूरा सर्किल होता है वो ये होता है, इसके हमने चार पार्ट कर दिए, ओके। तो मैं केवल अगर इसकी बात करूं तो ये क्वार्टर सर्कुलर नहीं हो गया, एक चौथाई नहीं हो गया, 1/4 नहीं हो गया, क्वार्टर मतलब 1/4। अगर मैं इसकी बात करूं तो फिर मैंने तरीका क्या बताया, जहां से आर्क शुरू हो रही है और जहां खत्म हो रही है, ठीक है, उसको सेंटर में मिला लीजिए। तो उसको हमने सेंटर में मिला लिया, ठीक। अब सेंट्रॉइड कहां होगा, बीच से डिवाइड करने वाली लाइन पर, तो इसको बीच से डिवाइड करने वाली लाइन तो ये हुई, यानी यहां कहीं होगा, ठीक। अब ये पूरा एंगल तो 90 है, तो इस केस में ये एंगल कितना हो जाएगा, π/4, और ये एंगल कितना हो जाएगा, π/4, यानी अल्फा की वैल्यू π/4। मगर तुम्हें ये तो ठीक है, कॉन्सेप्ट तो ठीक है, तुम्हें ऐसे याद नहीं रखना है, हम बता रहे हैं क्या याद रखना है। तो क्वार्टर सर्कुलर आर्क का सेंट्रॉइड तो यहाँ हो गया, और इसकी वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो होती है 2r/π, और एक्स एक्सिस से भी जो डिस्टेंस होती है वो भी होती है 2r/π। ये तुम्हें ध्यान रखना है, वाई एक्सिस से, या छोड़ो वाई और एक्स एक्सिस छोड़ो, तुम्हें क्वार्टर सर्किल में दो परपेंडिकुलर लाइन दिख रही है ना, और दोनों परपेंडिकुलर लाइन एक्चुअली क्या है, रेडियस है, एक्चुअली क्या है, रेडियस है। तो दोनों परपेंडिकुलर लाइन से इस सेंट्रॉइड की जो दूरी होती है, इस सेंट्रॉइड की जो दूरी होती है वो 2r/π होती है। अगर मान लो मैं इस वाली आर्क की बात कर रहा होता, ये अब देखना ध्यान से, तो सेंट्रॉइड कहाँ होगा, 20 से डिवाइड करने वाली लाइन पे यहाँ कहीं, और दोनों परपेंडिकुलर लाइन, हर क्वार्टर सर्कुलर आर्क में तुम्हें दो परपेंडिकुलर लाइन दिखेंगी, जैसे ये दिख रही है, ये वाली और ये वाली। तो इन दोनों परपेंडिकुलर लाइन से जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 2r/π, और यहाँ से भी ये डिस्टेंस कितनी होगी, 2r/π। ये आपको याद रखना है। और इसकी टोटल लंबाई कितनी होगी भाई, ये आधा था, आधे की लंबाई पाई आर है, और ये आधे का भी आधा है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों, πr/2। ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना पड़ेगा। ये मैं निकाल के भी दिखा सकता हूँ कि कैसे 2r/π है, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है, एक अलग से वीडियो लेक्चर में बता दूंगा। अभी हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं, न्यूमेरिकल के लिए एज अ फॉर्मूला इसको आप ध्यान रखिए, नोट कीजिए जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए, एक क्वेश्चन मैंने यहां पर बनाया है जिसमें एक वायर ये है, एक वायर ये इंक्लाइंड वाला है, और एक ये सेमी सर्कुलर वायर बना हुआ है। तो सबसे पहला काम सेंट्रॉइड निकालना है। सबसे पहला काम क्या होता है, ओरिजिन बनाना। अगर ओरिजिन मेरे क्वेश्चन में कहीं दिया है तो वहीं रहता है, अदरवाइज अगर मुझे बनाने का मौका मिलेगा तो मैं कोशिश करता हूँ कि लोएस्ट लेफ्ट कॉर्नर पर उसको बना लूँ। तो मैं लोएस्ट लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द डायग्राम तो यही है। अगर इसको मैं ओरिजिन बनाता हूँ तो ये वाली लाइन बच्चों क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है, और ये वाली लाइन बच्चों क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस। तो इसको यहाँ भी बढ़ा लेते हैं ऐसे, ये वाली लाइन क्या हो जाएगी बच्चों, एक्स एक्सिस हो जाएगी। अगला काम क्या होता था कि सारी बॉडीज़ का सेंट्रॉइड अंदाजे से बना लेते हैं। तो पहली बॉडी का सेंट्रॉइड यहाँ कहीं, दूसरी बॉडी ये जो सेमी सर्कुलर आर्क है इसका सेंट्रॉइड बच्चों कहाँ होता है, बीच से डिवाइड करने वाली लाइन पे यहाँ कहीं। बीच से डिवाइड करने वाली लाइन पे यहां कहीं, ओके।
फिर ये तो स्ट्रेट लाइन है, इसका सेंट्रॉइड कहाँ होता है? बिल्कुल मिड में, ये हो गया। ये हमने सेंट्रॉइड डिफरेंट बॉडी के बना लिए। अब इनकी दूरी नापेंगे, पहले वाई एक्सिस से फिर एक्स एक्सिस से। तो चलिए नापते हैं, इसकी दूरी वाई एक्सिस से अगर हम लोग नापें कितनी होगी? पूरा 100 है तो ये कितना हो गया? 50 कॉमा। फिर एक्स एक्सिस से नापेंगे तो एक्स एक्सिस पर तो ये खुद है, तो एक्स एक्सिस से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? 0। ओके, चलिए दूसरी बॉडी पर आते हैं, इसकी दूरी वाई एक्सिस से, यानी मुझे ये वाली दूरी चाहिए, तो ये दूरी कितनी होगी? देखो तो नीचे आ जाओ, तो 100 ये है और 100 में ये और प्लस कर दो, और ये दूरी बच्चों क्या होती है भाई? अगर ये सेमी सर्कुलर आर्क है, अगर तुम इसको पूरा करके बनाने की कोशिश करोगे तो ये एक सर्किल बनेगा ना, और सर्किल अगर बनेगा तो ये सेंटर होगा, तो ये रेडियस नहीं होगी आर, तो ये रेडियस होगी। ओके, और रेडियस है कितनी? 40 दे रखी है, यानी ये हो गया 40, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई? 140। तो इसका जो पहला कोऑर्डिनेट है वो हो गया 140। दूसरा कोऑर्डिनेट यानी इसकी दूरी एक्स एक्सिस से, तो अभी मैंने आपको बताया था बच्चों ये डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला है मेरे पास, 2r/π। देख लो, अभी नोट किया था हम लोगों ने, 2r/π। तो मुझे जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए वो यही तो है, 2r/π। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं, तो 2 × r की जगह 40 रखेंगे, यानी 80/π आ गया। इसकी वैल्यू अभी बाद में हम लोग लिख लेंगे। तो पहली बॉडी का सेंट्रॉइड, दूसरी बॉडी का सेंट्रॉइड, अब तीसरी बॉडी का सेंट्रॉइड हम लोग करने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाई, देखें, प्रशांत कुमार आपका नेटवर्क हो सकता है बेटा थोड़ा पुअर हो, लाइव क्लास में कभी कभी नेटवर्क अगर पुअर हो जाता है, मेरा तो पूरा आ रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अभी इसकी फ़ोटो भी मैं आपको क्लिक कर दूंगा। बाकी लोगों को ठीक दिख रहा है? अच्छा रुकिए, और अगर थर्ड बॉडी के लिए देखें हम लोग, तो थर्ड बॉडी के लिए अगर देखेंगे तो बच्चों ये इसका सेंट्रॉइड हो गया। अब हमें टोटल डिस्टेंस इसकी चाहिए वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस से जो टोटल डिस्टेंस है, अब देखो ये तो मैंने इसका यूज कर चुका तो इसको मिटा दे रहा हूँ, वरना तुम्हें कन्फ्यूजन होगा। अब मुझे ये पूरी डिस्टेंस चाहिए, ये पूरी डिस्टेंस ये चाहिए पूरा। तो कैसे निकलेगा देखो, पहले 100 ये, 40 ये और 40 ये, उसके बाद में मुझे ये डिस्टेंस और चाहिए, तो ये पूरा कितना है बच्चों? पूरी लेंथ कितनी है ये? 150। तो ये लेंथ कितनी हो गई? ए बी 75 का कंपोनेंट करो तो ये लेंथ कितनी हो गई? 75 cos 60, और ये लेंथ हो जाएगी 75 sin 60, जो कि ये वाली लेंथ है। तो ये लेंथ हो गई 75 sin 60। मैंने आपको पीछे भी ये सवाल ऐसे बताया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि जो डिस्टेंस आपको चाहिए, फिर से सुनिए, जैसे हमको ये डिस्टेंस और चाहिए अभी, तो आप देखो ये डिस्टेंस किसी ट्राइंगल में आ रही है क्या? आ रही है। उस ट्राइंगल का हाइपोटन्यूज ढूंढ लो, तो उस ट्राइंगल का हाइपोटन्यूज कितना है? 75 है, और 75 के कर दो कंपोनेंट करोगे तो ये डिस्टेंस तुरंत मिल जाएगी, 75 cos 60, और इधर वाला आ जाएगा 75 sin 60, उतनी ही ये दूरी होगी, तो मैंने यहां लिख दी। अब देखो ध्यान से, मुझे तो ये पूरी दूरी चाहिए ना, पूरी, तो पूरी कितनी हो गई ये दूरी? देखो अब 100 + 40 + 40 + 75 cos 60। ओके, तो काफ़ी डेंस सा डायग्राम हो गया, ध्यान रखिएगा। अब ये पूरी डिस्टेंस चाहिए ना, तो ये पूरी हमने कितनी निकाल ली? 100 + 40 + 40 + 75 cos 60। इसको ज़रा कैलकुलेट कर लें, तो ये आ रहा है बच्चों 217.5, यानी इसका एक कोऑर्डिनेट आ गया 217.5 कॉमा। अब इसकी डिस्टेंस से ये एक्स एक्सिस है, तो वो तो मैंने बना रखी है 75 sin 60, तो उसकी वैल्यू भी लिख लेता हूँ, 64.95। बस सारा काम यहीं तक का तो है कि हम किसी तरह कोऑर्डिनेट निकाल पाएँ। चलिए ये पहली बॉडी थी, तो पहली बॉडी की लेंथ कितनी हो गई? 100, और एक्स वन की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों?
50 और y1 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 0। दूसरी बॉडी तो L2 की लेंथ, इसकी लेंथ क्या फॉर्मूला बताया था, पाई आर। तो पाई आर, पाई कितना होता है 3.14 इंटू आर, आर कितना है इसका बच्चों 40 दिया है, यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 125.6। फिर X2 की वैल्यू कितनी हो गई 140 और Y2 की वैल्यू कितनी हो गई 80/पाई, और उसकी वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ तो ये आ जाएगा पाई की जगह 3.14 पुट कर सकते हैं आप 25.47। थर्ड बॉडी पर आते हैं तो थर्ड बॉडी की टोटल लेंथ कितनी है बच्चों 150, यानी L3 इज इक्वल टू 150 और इसके कोऑर्डिनेट X3 Y3 हो गए, तो X3 हो गया हमारा 217.5 और Y3 हमारा हो गया 64.95। सारी चीज़ें mm में है तो मैंने कहीं यूनिट नहीं लिखी है, आप लोग लिख लीजिएगा, वो mm में रहेगा। ओके अब देखो, सब आपको पता है L1 X1 Y1 L2 X2 Y2, ये सब आप इसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला है बच्चों हम लोगों का, X is equal to L1 X1 plus L2 X2 plus L3 X3 upon L1 plus L2 plus L3। ये फॉर्मूला तो हम सब लोगों को पता ही है। इसी तरह YC का भी फॉर्मूला हम लोग लगा के XC YC निकाल लेंगे। तो ये अपने आप कीजिएगा इसके आगे आप लोग कैलकुलेशन। चलिए इसको समझते हैं। इसमें भी दो बॉडी हैं, एक ये और एक ये सेमी सर्कुलर आर्क। इसमें पहले से ही ओरिजिन और XY एक्सिस बना के दे रखा है, यानी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ओरिजिन XY एक्सिस में हम कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने पहले ही बना के दे दिया, यानी अब हमें उन्हीं के हिसाब से काम करना होगा। तो ये ओरिजिन XY एक्सिस हो गया, तो अब अंदाजे से इनके सेंट्रोइड बना लेते हैं। ये पहली बॉडी और ये दूसरी बॉडी, दूसरी बॉडी सेमी सर्कुलर आर्क है, सेंट्रोइड यहाँ कहीं होता है, और ये डिस्टेंस बच्चों कितनी होती है ये वाली, ये होती है 2R/π। ये पहले से ही बना लेते हैं इस बार। चलिए अब हमें चाहिए इनकी दूरी y एक्सिस और x एक्सिस से। तो इसकी दूरी y एक्सिस से अगर हम देखेंगे तो y एक्सिस से ये दूरी हो गई और x एक्सिस से ये दूरी हो गई। तो हमें जो दूरी चाहिए भाई, हमें ये दूरी चाहिए एक। तो ये दूरी क्या किसी ट्राइंगल में आ रही है? तो आप देखेंगे सर इस राइट एंगल ट्राइंगल में है, और ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की 100 है, तो 100 के कॉम्पोनेंट करोगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 100 cos 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 100 sin 30, जो कि ये वाली डिस्टेंस है, यानी 100 sin 30। तो एक बार फिर से देखिए ज़रा, इसकी डिस्टेंस वाई एक्सिस से यानी ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई 100 cos 30, यानी इसका पहला जो कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया 100 cos 30, कॉमा फिर x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस सही है तो वो कितनी हो गई 100 sin 30, तो दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया 100 sin 30। तो पहली बॉडी की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो पहली बॉडी के लिए L1 कितना है, टोटल लेंथ 200 mm, और X1 Y1 हम लोगों ने निकाल लिए। X1 कितना निकाला है 100 cos 30, 100 cos 30 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकाल लेना। इसी तरह Y1 कितना निकाला है 100 sin 30। अब आते हैं दूसरी बॉडी पर। तो दूसरी बॉडी का सेंट्रॉइड तो हमने बना रखा है, लेकिन हमें दूरी उसकी यहाँ से नहीं चाहिए, हमें उस सेंट्रॉइड की दूरी हमेशा पहले वाई एक्सिस से और फिर एक्स एक्सिस से चाहिए होती है। तो चलिए नाप लेते हैं। तो थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, अब ये यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, ये तो हम लोग सीख चुके हैं, नीचे लिख भी लिया है। अब हमें जो डिस्टेंस चाहिए वाई एक्सिस से वो ये है, ये, और एक्स एक्सिस से जो चाहिए वो ये है पूरी, ब्लैक वाली जो मैंने डॉटेड ये है पूरी। ठीक, चलिए वाई एक्सिस से देखते हैं पहले। वाई एक्सिस से ये पूरी डिस्टेंस, यानी ये पूरी डिस्टेंस अगर मैं इसको यहाँ मिला लूँ, तो आप ध्यान से देखना बच्चों। चलो ये सब भी अब मैं मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब तो तुम लोग देख ही चुके हो। आप देखो ज़रा, मुझे ये पूरी डिस्टेंस चाहिए, तो मुझे एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मिल जाए, ओके, और उसमें मैं ये प्लस कर दूंगा, तो ये तो मुझे मालूम है, ये है रेडियस, रेडियस कितनी है 50, यानी ये 50 है, लेकिन ये नहीं मालूम है यहाँ से यहाँ तक की। तो बहुत ध्यान से देखो, ये पूरा 200 है, ये पूरी लेंथ जो है बच्चों कितनी दी हुई है आपको, ये दी हुई है कितनी 200, और एंगल कितना है 30, तो 200 के कंपोनेंट कर दो तो ये 200 cos 30 नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से इसको देखोगे
तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 200 साइन 30 हो जाएगा। कंपोनेंट अगर करोगे तो 200 क्या करोगे, 200 कॉस 30, 200 साइन 30, यानी ये लेंथ हो गई 200 साइन 30। 200 साइन 30 की वैल्यू होती है 100, क्योंकि साइन 30 इज 1/2, तो ये वैल्यू 100 हो गई, यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई, 100। चलो पहले मुझे ये नापना था ना वाई एक्सिस से, तो वो ये हुआ, यानी 200 कॉस 30 प्लस 50। तो इसका जो एक कोऑर्डिनेट आया यहाँ लिखता हूँ 200 कॉस 30 प्लस 50, और दूसरा कोऑर्डिनेट यानी दूरी एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से दूरी कितनी हो गई, 2r/π यहाँ तक और 100 नीचे, कितनी हो गई, यानी 100 प्लस 2r/π, ये हो गया। तो चलो इसको लिखते हैं ध्यान से, यहाँ पर L2 की वैल्यू, पहले इसकी लेंथ, तो इसकी लेंथ बहुत जल्दी जल्दी में बच्चे ये वाली लेंथ कर देते हैं, और ये कितना करेंगे 50 या 100 लिख देते हैं, नहीं लेंथ ये है, और इसकी लेंथ का फॉर्मूला है πr, ये तो उसको निकालते चलते हैं। चलिए 3.14 इंटू रेडियस कितनी है 50, तो अभी कैलकुलेट हम लोग कर लेंगे। इसी तरह से x2 कितना है बच्चों इसका, ये 200 cos 30 प्लस 50, ये भी अभी कैलकुलेट कर लेंगे। और y2 कितना है बच्चों इसका, 100 प्लस 2r/π, इसको भी चलिए अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, r की जगह वैल्यू रख देता हूँ, r कितना है 50, तो 2r/π, ये सारी वैल्यू रख के कैलकुलेट कर देता हूँ जल्दी से। तो ये आ रहा है 157, सारी चीज़ें mm में बच्चों, मैं कहीं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, तो आप लोग लिख लीजिएगा। ये आ रहा है 223.20 mm, और ये आ रहा है 131.84 mm। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट पकड़िएगा यहाँ पर, ठीक। अब L1 X1 Y1 मालूम है, L2 X2 Y2 मालूम है, तो अब यही फॉर्मूला कहाँ तक चला जाएगा, सिर्फ दो बॉडी के लिए चला जाएगा। इसमें पुट करेंगे, x ही निकाल लेंगे, सिमिलरली y ही निकाल लेंगे, इतनी कैलकुलेशन आपको करनी होगी, ओके। तो आज हम लोगों ने आर्क के बारे में सीखा, सेमी सर्कुलर आर्क, क्वार्टर सर्कुलर आर्क और एक सिंपल आर्क, और जो लेंथ वाली बॉडी है उनके साथ उनको मर्ज किया, और फिर उनका सेंट्रॉइड निकालना सीखा। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब करना और करवाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।